पाकिस्तान से अलगाववादी नेताओं को मिले न्योते पर सरकार की कार्रवाई, सभी हुर्रियत नेताओं को किया गया घर में नजरबंद। पुलिस ने यासिन मलिक को किया गिरफ्तार, बेमिना पुलिस स्टेशन लाया गया, अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी के घर छापेमारी। श्रीनगर में अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक के घर पुलिस की घेराबंदी, सरताज अजीज से मिलने के लिए दिल्ली जाने का था प्लान। हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी पहले से हैं नजरबंद, बढ़ाई गई घर की सुरक्षा। हुर्रियत नेताओं को नजरबंद किए जाने और गिरफ्तार करने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला का ट्वीट, शर्म की बात है, मुफ्ती मोहम्मद सईद अपने आका के आदेश का इस तरह से कर रहे हैं पालन। लेफ्टिनेंट जनरल हुडा की रिपोर्ट ने खोली पाकिस्तान की नापाक साजिश की पोल, पुंछ इलाके में 5 से 6 आतंकी टीम करना चाहती है घुसपैठ, पाकिस्तानी सेना दे रही है कवर फायर। लेफ्टिनेंट जनरल हुडा ने अपनी रिपोर्ट आर्मी हेडक्वार्टर को सौंपी थी, जिसे थल सेना अध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने रक्षा मंत्री पारिकर को सुपुर्द किया, जनरल सुहाग ने एनएसए को भी जानकारी मुहैया कराई। 23 अगस्त को भारत पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकारों के बीच होनी है बैठक, दिल्ली में मिलेंगे दोनों देशों के सुरक्षा सलाहकार। एनएसए स्तर की बातचीत में भारत पाकिस्तान को सौंपेगा ठोस सबूत के साथ ताजा डॉजियर, सीमा पार आतंकी कैंप्स की सटीक लोकेशन की दी जाएगी जानकारी। भारत पाकिस्तान को सौंपेगा करीब 50 आतंकियों की लिस्ट, दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद के बारे में बिल्कुल नई जानकारियां देने की तैयारी। सीमा पर सीज फायर के उल्लंघन की जानकारी लेने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी करेंगे सरहद का दौरा, महीने के आखिर में पुंछ और लद्दाख का बन सकता है कार्यक्रम, गांव वालों से करेंगे मुलाकात। राजस्थान स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी की बढ़त जारी, सीएम वसुंधरा को झटका, झालरपाटन विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की जीत। लालू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की उतारी नकल, आरजेडी सुप्रीमो ने कहा पीएम मोदी का भाषण प्रधानमंत्री की गरिमा लायक नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है असदुद्दीन ओवैसी, 24 विधानसभा सीटों पर है नजर। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत पर कसा शिकंजा, उनके और रिश्तेदारों के घर छापेमारी। अमेठी से लखनऊ जाते समय राहुल गांधी ने सड़क हादसे में घायल की रुककर मदद की, सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को पहुंचाया अस्पताल। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 71वीं जयंती, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने श्रद्धांजलि दी, सोनिया गांधी परिवार के समेत पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ट्वीट, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को दी श्रद्धांजलि। फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन समिट यानी कि फिपिक के लिए 14 राष्ट्राध्यक्षों की राष्ट्रपति ने की अगवानी, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री भी मौजूद। 21 अगस्त से जयपुर में शुरू हो रहा है सम्मेलन फिपिक का, यह दूसरा सम्मेलन, प्रधानमंत्री ने फिजी में की थी इसकी मेजबानी का ऐलान। सरकारी स्कूलों में बदहाली का मामला उठाने वाले सुल्तानपुर के शिक्षा मित्र शिव कुमार पाठक को किया गया बर्खास्त, इसी याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनाया था अफसरों और नेताओं के बेटों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का आदेश। एफटीआईआई निदेशक और रजिस्ट्रार की सुरक्षा के लिए 4 टायर इंतजाम तैनात किए गए, बाउंसर, पार्किंग की हर गाड़ी की चेकिंग। एफटीआईआई संस्थान में छात्रों के आंदोलन का 70वां दिन, जारी है विरोध प्रदर्शन। गुजरात के राजकोट में सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बनाया 150 फीट का बैनर, बीएड और एमएड के कोर्स को 1 से बढ़ाकर 2 साल करने का विरोध।
उज्जैन में एडिशनल कलेक्टर और पुलिस वाले के बीच तनातनी, नागचंद्रेश्वर मंदिर के बाहर हंगामा। प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख राजन एस कटोच का कार्यकाल खत्म, सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी करनैल सिंह को सौंपी अतिरिक्त जिम्मेदारी। गुजरात दंगा मामले में बीजेपी सरकार के खिलाफ बयानबाजी से चर्चित हुए आईपीएस संजीव भट्ट बर्खास्त, भट्ट ने ट्वीट कर दी जानकारी, बिना इजाजत छुट्टी पर रहने का आरोप। यूपी में साल 2011 की दारोगा भर्ती प्रक्रिया पर फिर लगी रोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याचिका के बाद लगाई रोक, आरक्षण नियमों का ठीक ढंग से पालन नहीं होने के लिए दी गई थी याचिका। सूरत के होटल में लड़की की जलाकर हत्या, प्रेमी पर शक, होटल स्टाफ ने पुलिस को दी जानकारी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जेलर धीरज सिन्हा पर हमला, कैदियों के हमले में जेलर की हड्डी टूटी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 40 मेडिकल कॉलेज से जुड़ी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है फैसला, निजी अस्पतालों ने दी थी याचिका। दिल्ली में जमीन अधिग्रहण केस में आज हाईकोर्ट में सुनवाई, सर्किल रेट में तब्दीली कर 3 बार खेती की जमीनें अधिग्रहण करने का मामला। यूपी के पूर्व विधायक उदयभान सिंह की हत्या के केस में आज दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत सुना सकती है फैसला, 2003 में हुई थी हत्या, 5 पर है आरोप। अमेरिका के कैरोलिना में गुजराती दंपति की हत्या, लूट के दौरान मारी गोली। अफगानिस्तान से भारत आया 40 टन प्याज, बुधवार को पाकिस्तान के रास्ते आई अफगानिस्तान से प्याज। गुवाहाटी में 23 साल की अमेरिकी लड़की से छेड़छाड़, 16 अगस्त की वारदात, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट की 2 बहनों से छेड़छाड़, पुलिस ने दिल्ली बीजेपी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष सुनील चौधरी को किया गिरफ्तार। यूपी के हरदोई में दरिंदगी, 4 साल की मासूम, 14 साल की नाबालिग लड़की की रेप के बाद हत्या। कानपुर में नाबालिग लड़की से गैंगरेप, आरोपियों ने एमएमएस भी बनाया, केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। नोएडा एक्सप्रेसवे पर हादसों की सीसीटीवी तस्वीरें, रफ्तार और सुरक्षा को लेकर उठे सवाल। इलाज के पैसे न होने पर मां ने की 1.5 महीने की बेटी की हत्या, जयपुर में हुई ये दर्दनाक वारदात, डॉक्टर के ज्यादा खर्च बताने पर मासूम को कुएं में फेंका। फरीदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच की कस्टडी में एक युवक की मौत, पुलिस ने शव को जलाया, परिजनों ने किया हंगामा। संभल के कोतवाली क्षेत्र में एक मकान में हुआ ब्लास्ट, धमाके से पड़ोस के मकान की गिरी दीवार, मलबे में दबकर 2 लोगों की मौत। मकान में ब्लास्ट के बाद जांच करने पहुंची पुलिस को भारी मात्रा में मिला विस्फोटक, सूरत में एक शख्स ने गर्लफ्रेंड को जिंदा जलाया, होटल से भागने के दौरान पकड़ा गया आरोपी, किसी और से रिश्ते का था शक। उपहार कांड के फैसले के खिलाफ पीड़ितों ने दाखिल की याचिका, फिर से विचार करने की अपील, दिल्ली सरकार की गुजारिश, 60 करोड़ रुपए स्वीकार न करें। हिसार में एक युवक की घर के बाहर गोली मारकर हत्या, युवक को पहले से जान से मारने की धमकी दी गई, पुलिस सुरक्षा के बावजूद वारदात। दिल्ली पुलिस के 10 जवान ढूंढ रहे हैं चोरी की भैंस, डेयरी मालिक ने दर्ज करवाई थी शिकायत। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी बेनाम पर तिरंगा फहराने को निकला आईटीबीपी का दल, आईजी ने हरी झंडी दिखाकर गोचर कैंप से किया रवाना। डिश टीवी ने पेश की नई सौगात, टीवी पर अब बिना ब्रेक के देखें फिल्म, डिश टीवी ने डिश फ्लिक्स नाम का नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, 6,000 में इसे खरीदकर 100 रुपए महीने दर से आप बिना रुकावट ले सकेंगे फिल्म का मजा।